फॉल्ट की वजह से हमारी एक लाइन चल रही है, वैसे दो लाइनें माशाल्लाह चलती हैं, तो एक लाइन हमारी बंद है। अगर कोई बहन भाई कॉल्स कर रहे हों और उनकी नहीं मिल रही हो तो फिर हम माजरत खा हैं, जरा थोड़ा सा ऐसा हो ही जाता है मसाइल। तो ये एक भाई ने या बहन ने क्वेश्चन किया था कि इनके हस्बैंड हैं वो एक हफ्ते से कम अपने बेटे के पास तशरीफ ले जाते हैं और वो बेटा 1.5 किलोमीटर दूर रहता है, तो वहां जाकर क्या वो नमाज कसर पढ़ेंगे या पूरी पढ़ेंगे। देखिए मसला ये है कि अगर वालिद साहिब बेटे के पास जा रहे हैं तो बेटे का घर कोई ऐसा मकाम नहीं है कि जो शख्स वहां पहुंचे वो उसके लिए वतन असली कहलाए। वतन असली वो होता है कि जहां इंसान पैदा हुआ था और अभी भी उसकी रहाइश बाकी हो, या फिर इंसान किसी दूसरे मकाम पर गया और वहां पर उसने शादी कर ली हो, या फिर किसी मकाम पे गया और बाकायदा वहां सुकूनत इख्तियार कर ली हो, तो वो उसके लिए यानी इस तरह के अब कहीं भी वापस जाने का इरादा ना हो तो उसके लिए वतन असली बन जाता है। उसमें यह हुक्म होता है कि वहां अगर इंसान पहुंचेगा और चाहे एक दिन के लिए भी पहुंचे, मसलन कहीं से दूर से सफर करके, पूरी नमाज पढ़ेगा। इसी तरीके से दूसरा उसूल यह है कि अगर इंसान अपने घर से निकलता है और 92 किलोमीटर दूर जाने का इरादा ना हो, उससे कम है, तब भी वो मुकीम ही कहलाएगा, मुसाफिर नहीं रहेगा। इस पर मैं मजीद कलाम करता हूं लेकिन एक मुख्तसर से मजीद ब्रेक के साथ। मेरे विर्द लब है नबी नबी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो बहन ने क्वेश्चन किया था कि इनके शौहर जो हैं वो बेटे के पास मिलने जाते हैं और वो तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर रहता है, एक हफ्ते से कम रहते हैं। तो हम आपकी खिदमत में अर्ज कर रहे थे कि अगर बिलफर्ज किसी जगह कोई वतन असली है जिसकी तारीफ मैंने आपको बताई, वहां तो जब हम पहुंचे चाहे कितना ही दूर हो, कितना ही करीब हो, कितने ही दिन के लिए जाएं, वहां जाके पूरी नमाज पढ़ेंगे। दूसरा उसूल ये होता है कि अगर आप कम अज कम अपने शहर की हदूद से बाहर निकले और 92 किलोमीटर दूर जाने का इरादा हो, तो जैसे शहर की हदूद से बाहर निकलेंगे आप मुसाफिर हो जाएंगे। अब जब आप उस मकाम पर जहां पे भी आप पहुंचना है वहां पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद कम अज कम 15 दिन ठहरने की नियत कर लेते हैं, तो फिर आप मुकीम हो जाएंगे, अब मुसाफिर नहीं रहेंगे। और 15 दिन से कम ठहरने की नियत है तो फिर इंसान मुसाफिर होगा, मुकीम नहीं होगा। लिहाजा अब इसकी रोशनी में आप देखिए कि एक तो 1.5 किलोमीटर दूर जाने का इरादा है, 92 किलोमीटर नहीं है, दूसरा एक हफ्ते से भी कम रहने का इरादा है, 15 दिन का भी नहीं है। यहां पर तो अगर 15 दिन का भी इरादा होता तो चूंकि 92 किलोमीटर तकरीबन दूर जाने का इरादा नहीं है तो वो शरई मुसाफिर नहीं है, लिहाजा वहां पर जाके नमाज पूरी पढ़ेंगे। एक ये भाई ने क्वेश्चन किया था कि अगर कोई तवाफ कर रहा है या साई कर रहा है और 2 या 3 चक्कर के बाद उसका वुजू टूट जाता है तो क्या हुक्म है शरा?